नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभी। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले देवदूत रूपी लाखों कर्मचारियों की जेब पर मुख्यमंत्री शिवराज ने डाका डाला है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि प्रदेश के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के डीए और एरियर का भुगतान ना रोकें, नहीं तो प्रदेश थम जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले तमाम हजारों लाखों सरकारी कर्मचारी भाइयों बहनों की जेब पे डाका डालने वाले शिवराज चौहान, उन्हें एक साल तक डीए देने से वंचित कर रहे हैं, एरियर का भुगतान बंद कर दिया। कोरोना जैसे संक्रमण काल में किस तरह हमारे प्रदेश का कर्मचारी जूझ रहा है, कोरोना से देश प्रदेशवासियों की रक्षा कर रहा है, आज उन्हें कितनी सख्त आवश्यकता है। और धनाभाव के कारण कई परिवार विखंडन की कगार पे हैं। ऐसे समय जो प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हमारे सरकारी कर्मचारी भाई बहन, उनका डीए रोक देना, उनका एरियर का भुगतान नहीं करना, और उन कर्मचारी भाई बहनों के साथ न पहले कभी शिवराज चौहान की सरकार की हमदर्दी थी, न आज कोई हमदर्दी है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में अपने हक की लड़ाई हमारे सरकारी कर्मचारी भाई बहन लड़ेंगे। कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। 3-4 महीने में फिर पलट के कांग्रेस की सरकार आएगी। दमदारी से कर्मचारी भाइयों बहनों का हम डीए और एरियर दिलाएंगे। बहुत धन्यवाद।